26 जनवरी के दिन लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने वाले दीप सिद्धू ने बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीप सिद्धू ने बताया कि वो गलती से भीड़ के साथ लाल किले तक पहुंच गया था, उसका इरादा गलत नहीं था। दीप सिद्धू ने बताया कि 26 जनवरी के दिन जब वो सुबह सोकर उठा तो उस दौरान उसके फ़ोन पर 3-4 मिस्ड कॉल आई थी जिसमें लाल किले पर पहुँचने की बात कही गई थी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद वो लाल किले की तरफ गया। दीप सिद्धू ने बताया कि जब लाल किले पर हिंसा भड़क गई थी तो उस दौरान वो वहां से चला गया था। हिंसा भड़काने में उसका कोई हाथ नहीं है। उसने बताया कि हिंसा से उसका कोई लेना देना नहीं है और ना ही हिंसा में उसका कोई हाथ है। उसे फंसाने की कोशिश की जा रही है। वैसे आपको बता दें कि जब दीप सिद्धू को पुलिस ने पकड़ा था तो उस दौरान वो इस बात से इनकार कर रहा था कि वो 25 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर था, लेकिन जब पुलिस ने शक्ति के साथ सिद्धू से पूछताछ की तो उसने सच कबूल कर लिया और सच बता दिया। SPN 9 न्यूज़ रूम से राहुल की रिपोर्ट।